डोरबेल बजी बेवक्त और आपने सोचा पता नहीं क्या हुआ। टीचर का फ़ोन आया और वो बोली मुझे आपसे आपके बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। और आपने सोचा ओह माय गॉड पता नहीं क्या बात करने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज हम बात करेंगे अपने दिमाग की नेगेटिव बायस की, कि क्यों हमारी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और शेयर बहुत कीजिए अपने आगे दोस्तों में और अपने फैमिली में। तो हाँ दोस्तों, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो अक्सर नेगेटिव मतलब नकारात्मक सोच की तरफ ही जाता है, उसी की तरफ रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सोचें पुराने ज़माने के मुहावरे, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वंस बिटन ट्वाइस शाई, नो पेन नो गेन, तो यही देख देख के हमें बड़ा किया गया, हम यही सुन सुन के बड़े हुए हैं। दर्द ही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। अब दर्द होना लाजमी है, इसका मतलब कि हमें दर्द से कोई परेशानी नहीं है, हम हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे हर चीज़ के बारे में। तो ये बात तो तय है कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हमें वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन अगर उस इंसान ने 10 अच्छाई की है वो हम भूल जाते हैं। पेनफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली बिकम अ लाइक अ मेमोरी, दे बिकम दे स्टक इन आर मेमोरी, हमारे दिमाग के अंदर वो घुस के एक मेमोरी बन के बैठ जाते हैं। इट इज़ मोर देन द प्लेजर वंस, प्लेजर मोमेंट्स की मेमोरी कम लेकिन दर्द वाली मेमोरीज जो है वो ज़्यादा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए कि अगर आप 10 चीज़ें रोज़ जो आपके साथ हो रही होती हैं दिन भर में, वो 10 चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन जो एक चीज़ आपके साथ बुरी होती है आप वो याद करके बोलते हैं आज तो दिन मेरा बहुत ख़राब गया क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ बुरी हो गई। तो लेकिन ये सबसे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सेहत पे, हेल्थ पे इसका क्या असर हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव experiences, because of these negative memories, we become anxious, we become impatient, irritable और stress, बहुत stress में रहते हैं हम लोग क्योंकि हमेशा हमारा दिमाग negative की तरफ ही जा रहा है। तो क्या करें कि हमारा दिमाग positive बातों की तरफ ही जाए? सिर्फ 2 step का formula है। तो अगर आप ये 2 steps formula अपनाते हैं and every day you do these 2 steps consistently and with lot of awareness, you will see a huge change in your life. आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो step number 1 क्या है? आप हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करें। खाली देखना नहीं, देखकर उसको महसूस करें। जब आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई अच्छा खाना खा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप जब खाते हैं उसके स्वाद को महसूस करें। जैसे कि आपने कोई चुटकुला सुना, एनी जोक, योर फ्रेंड क्रैक्ड अ जोक एंड यू जस्ट हर्ड एंड दैट्स इट, नो, यू फील द जोक। सो जब आप ये रोज़ करेंगे, ये वाला स्टेप और इसके जो अगले वाला स्टेप मैं बताने जा रही हूँ, ये दोनों स्टेप जब आप दिन में 5 से 10 बार करेंगे, स्पेशली at the night when your mind is very receptive, at that time when you are doing these 2 steps, then you are able to see the difference. तो जैसे आपने किसी फूल की खुशबू सूंघी और फिर उस खुशबू को महसूस किया, तो ये तो हुआ number 1। अब number 2 step क्या है? Step number 2 है कि आपने महसूस जो किया उसको enjoy करें। खाली महसूस करके रखने की बात नहीं है, अब उस पल को, उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए। तो
तो मतलब उसको एम्बॉडी, उसको अपने अंतर तहक तक ले जाइए, दैट इज़ हाउ यू आर एन्जॉइंग द एक्सपीरियंस। सो अगर आपने कोई चीज़, किसी का साथ या कोई प्राकृतिक नज़ारा है, ब्यूटिफुल प्लेस यू हैव बीन, तो आप उसको इन्जॉय करें। खाली देख लिया, फ़ोटो खींच लिया, वैसा नहीं। इन्जॉय द एक्सपीरियंस। व्हेन यू स्टार्ट टू इन्जॉय दीज थिंग्स, देन आर ब्रेन स्टार्ट्स टू हैव न्यू मेमोरीज ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। और जब ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में बन जाते हैं, वी स्टार्ट टू फील हैप्पी, राइट? देयर इज सो मच ऑफ पीस एंड काम इनसाइड अस। तो इसी तरह खुशी का जो खजाना है वो हमारे अंदर ही बनने लग जाता है, और फिर हमें बाहर खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्ते।